Welcome back to Weekend Out. My name is Gaurav. नाम तो सुना होगा. It's time to eat out once again and मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए. What is the most common weekend food in the Middle East? बड़ा सिंपल जवाब है. इसका जवाब है बिरयानी. Invariably फ्राइडे आफ्टरनून का लंच, एटलीस्ट वंस ओवर द वीकेंड बिरयानी खाना तो बनता है बॉस. मेरा वीकेंड तो कभी बिरयानी के बिना नहीं बना है. आई एम श्योर आपका भी नहीं बना होगा. इसलिए आज हम आपको खिलाएंगे बिरयानी. अब बिरयानी में सवाल ये उठता है कि कौन सी बिरयानी खिलाएंगे. कुछ लोग होते हैं जो खाते हैं लखनवी बिरयानी, कुछ लोग होते हैं जो हैदराबादी बिरयानी खाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मलबारी बिरयानी खाते हैं. लेकिन क्या आपने स्टूडेंट बिरयानी खाई है? अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपका जवाब होगा यस. अगर आप यूएई में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर चुके हैं तो आपका जवाब होगा यस. एंड अगर आपका जवाब नो है भी तो नो रीजन टू वरी. मैं आपको आज खिलाऊंगा अ न्यू बिरयानी दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट बिरयानी. मैं न्यू इसलिए बोल रहा हूं अगर आपने इसे नहीं चखा है तो, वरना ये 40 साल पुराना ब्रांड है. एंड अब ज्यादा बोलने से अच्छा मैं सोच रहा हूं आपको ज्यादा खाना दिखाऊं. So at student biryani, I'm taking a look at the menu. Now this is a nice, small, concise little menu. As soon as you open it, you have certain fast food, fast options. Now these are, you know, meal combo options that you have, but they also have an a la carte section जहाँ पर आप अपने लिए order कर सकते हैं, आप जो भी चाहें. It's a, like I said earlier, it's a very small, concise menu. So कम चीजें हैं, मतलब कि कम confusion and more concentration on how these things are made. पहले पेज पर ही मेन्यू के लिखा है student biryani. Wow, what a taste! अब मेन्यू देखते हैं और अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, फिर पता चलेगा वाओ व्हाट अ टेस्ट. ऑल्दो द मोस्ट फेमस थिंग एट स्टूडेंट बिरयानी ऑब्वियसली इज द स्टूडेंट बिरयानी, पर इनका यह भी कहना है कि जैसी कढ़ाई यहां मिलती है वैसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी. एंड ऑल्सो दे आर सेइंग जो जर्दा यहां मिलता है वो दुबई में या यूएई में तो कहीं नहीं मिलता है. तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें चख लेते हैं. शुरुआत करते हैं कढ़ाई से और उसके बाद खाएंगे बिरयानी और उसके बाद खाएंगे जर्दा. अभी तो जर्नी थोड़ी सी लंबी है. सो दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ माई मील एट स्टूडेंट बिरयानी एंड लेग पे पन इज इंटेंडेड. ये आ चुकी है चिकन कढ़ाई एंड लुक एट द वे इट्स प्रेजेंटेड. क्या बढ़िया छोटी सी कढ़ाई में आई है ये. अब इसे देख के मेरे मुंह में पानी आ चुका है. अब इसे लिया जाए. दे से दैट ऐसी कढ़ाई जैसी कढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी. ओके, अब सारा काम हो गया है. अब लेनी है आपने अपनी नान और शुरू करना है अपना असली काम जो कि है खाना. देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है. अब बस एक बाइट लेके पता चलेगा इसका असली टेस्ट कैसा है. नाइस एंड सॉफ्ट चिकन, हाथ लगाते ही टूट गया इसका पीस. ओके, ऑल्दो इट्स अ नाइस एंड फुल थिक ग्रेवी, दिस ग्रेवी इज नॉट वेरी स्पाइसी ऑन इट्स ओन. सो व्हाट्स डूइंग द ट्रिक फॉर मी, अगर आप देसी खाना थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो व्हाट्स डूइंग द ट्रिक हियर इज जो आपको कटी हुई हरी मिर्च मिली गई है उसे डालिए, हल्की सी जिंजर डालिए, उसमें नींबू निचोड़िए और उसे खाइए. ऑन इट्स ओन मसाले में बहुत बढ़िया टेस्ट है, बट आई एम सेइंग अगर आपको मेरी तरह स्पाइसी खाना खाने का शौक है तो इसमें जो असली ग्रीन मिर्ची का स्वाद आता है जो आप रॉ खाते हैं ऐसे जैसे मैं खा रहा हूँ, इसकी बात ही कुछ और है. Although मेरा मन तो कर रहा है कि मैं और भी खा लूं. यहां मेरे पास एक पूरी रोगनी नान पड़ी है, मैं सोच रहा हूं इसे भी खा लूं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि अगर आप स्टूडेंट बिरयानी में आए और स्टूडेंट बिरयानी ना खाएं तो कैसे चलेगा. इसलिए अब मैं अपना मन और हाथ दोनों रोक के इंतजार कर रहा हूं अपनी बिरयानी का. कह लीजिए कि आज से 40 साल पहले बिरयानी का कोई रिवाज ही नहीं था, पुलाव का रिवाज था. हाजी मोहम्मद अली साहब ने एक बिरयानी क्रिएट की मसाले के साथ जिसे दम बिरयानी कहते हैं, और ये स्टूडेंट बिरयानी
जब ये बनाई गई तो लोगों ने बहुत पसंद किया और फिर ये चलते हुए आगे बढ़ते हुए इस तरह पसंद करते करते ये पहले एक कैफे स्टूडेंट के नाम से रेस्टोरेंट होता था, फिर उसके बाद लोगों ने जब इसे पसंद किया बिरयानी को तो ये स्टूडेंट बिरयानी के नाम से आ गई। Okay, this is the hero of today's episode. This is the oh-so-famous Dum Biryani. अब ये मेरी टेबल पर आ चुकी है और जब मेरी टेबल पर खाना आ जाता है तो मैं अपने इससे ज़्यादा इज्जत खाने की करता हूँ। तो अब वक्त हो चुका है कि इस खाने को लेकर अपनी प्लेट में डाला जाए। बारह सीक्रेट मसाले यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट बिरयानी में एंड ये सब की जाती है आपको रायते के साथ, जिसमें ऑफकोर्स दही होता है, कोरिएंडर होता है, मिंट होता है, सारी वो हरी हरी चटनी, हरी हरी मिर्च होती है। इसे डालिए अपनी बिरयानी पर और हो जाता है। इट स्मेल्स रियली नाइस, मज़ा आ गया इसे सूम कर। अब इस लेते हैं इसकी पहली बाइट। Now this is layered biryani, जिसे साफ भाषा में तह वाली बिरयानी भी कहा जा सकता है। इसे 20 मिनट का दम दिया जाता है एंड तब इसमें इतना दम आता है, बड़ा मजा आया खा के। वाह, इसकी सबसे स्पेशल बात जो है वो ये है कि इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है जो पाकिस्तान से हमें यहाँ मिलती है, और जब ये सीक्रेट रेसिपी हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जो खुशबू पैदा होती है वो उस सीक्रेट रेसिपी की वजह से होती है। यू नो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैशन फॉर फूड। जस्ट इमेजिन 40 इयर्स तक इस मसाले का राज रहा है एंड इट्स ओनली दीज पीपल हु आर सर्विंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिरयानी। कैन यू इमेजिन द पैशन दैट्स गॉन इनटू गार्डिंग द सीक्रेट ऑफ दिस सीक्रेट मसाला। 12 मसाले डलते हैं इसमें। इट्स यू नो इट्स ऑल्सो अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मसालाज, जिसमें आप किसी एक मसाला या किसी एक फ्लेवर को डोमिनेटिंग नहीं रखते हुए भी इतना बढ़िया टेस्ट आ जाता है। नोबडी नोज हाउ इट्स डन बट इट्स डन ओनली एट स्टूडेंट बिरयानी। एक अच्छी बिरयानी में आपको क्या चाहिए, वो सारी चीजें इस बिरयानी में मौजूद थी। बढ़िया क्वालिटी ऑफ चावल, बढ़िया प्रेजेंटेशन, अच्छी खासी यूज ऑफ चिकन, बढ़िया आलू। But I think this has an edge because of one thing. With every single bite that you keep taking, आप सोचते रहते हैं मन में कि ये स्वाद तो बड़ा बढ़िया है, पर ये स्वाद है किस चीज़ का? और हर बाइट के साथ जो है आपका स्वाद बढ़ता जाता है। This is one of those things, you know, which is like an experience. जितना आप करते जाएंगे उतना आपको मज़ा आता जाएगा, उतना आप फ्लेवर समझते जाएंगे। So this, I think, is a must have at student biryani. This is something that you must not miss. मैंने सोचा जाते जाते कुछ मीठा हो जाए, वैसे ही मीठे के बिना अपना काम नहीं बनता है। पर आप अगर सोच रहे हैं कि यार मैं मीठा खा के खसक जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मीठा खाने के बाद मैं आपको भी यहाँ पर आकर खाने का मौका दूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पर उससे पहले खाया जाए जरदाना। दिस इज समथिंग दैट पाकिस्तान में बड़े प्यार से, बड़े शौक से, बड़े चाव से खाया जाता है। दिस इज स्वीट राइस। अगर आप इसे देखें तो ये बनाया भी और प्रेजेंट भी बड़ी स्वीटली किया गया है। अब बस इसे लेना है। Okay, so I am ready to taste zarda. I have to say this is the first time I am having zarda. बहुत बढ़िया चीज़ है। You got sweet rice, थोड़ा सा मावा, साथ में गुलाब जामुन। हाँ, मैं नई चीज़ खा रहा हूँ आज। But this is a fantastic discovery for all those who haven't eaten zarda at all. I think this is something जो आपको try करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया है। And sweet rice का मतलब ये नहीं कि बहुत ही over sweet चीज़ होगी, आप इससे खाई नहीं जाए। बहुत ही moderation में sweet है इसके साथ, ऊपर थोड़ा सा मावा है, गुलाब जामुन है। All in all, this combination is fantastic. मौका मिले तो ये ज़रूर try कीजिएगा। वक्त हो चुका है मेरे जाने का और आपके खाने का, यानी कि एक सही जवाब और हो सकता है कि आपकी बिरयानी हो जाए बिल्कुल मुफ्त। एंड सवाल बहुत ही आसान है। सवाल यह है कि मैंने जो मीठा खाया था वो मीठा क्या था? वॉज इट जरदा, वॉज इट पर्दा,
और वॉज इट भरता? इसका सही जवाब हमें एसएमएस कीजिए 6127 या फिर एक और तरीका है, जाइए facebook.com/weekendout पर, अपने जवाब पोस्ट कीजिए और वेट कीजिए कि कौन जीतेगा फ्री स्टूडेंट बिरयानी। अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि अगले हफ्ते फिर से आना पड़ेगा। तब तक एक बात याद रखिए, लाइफ में नो सवाल नो डाउट, सबका सोल्यूशन वीकेंड आउट।